हमारे पास में टाइम ही नहीं है किसी के लिए भी, इंफॉर्मेशन भी हमको जल्दी चाहिए, जल्दी से किक चाहिए, मतलब वी वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि फटाफट से कुछ दिख जाए और मजा आ जाए। चलो मजा आ गया, अब क्या करें, छोड़ो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो होता क्या है कि हम नाम के लिए तो लोगों के साथ में होते हैं, रिलेशनशिप्स हम कह सकते हैं, ऑन पेपर रिलेशनशिप है, ऑन पेपर हस्बैंड वाइफ है, ऑन पेपर पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बट एक्चुअल में डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप मिसिंग है। आई एम नॉट टू श्योर आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो डेली अपने पेरेंट्स को हग करते हैं जाकर के, तो उनके साथ बैठ करके आराम से बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है लाइफ में, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता आपके पेरेंट्स जो अभी इस एज में आपके लिए सब कुछ है, देखा जाए तो उनसे ज्यादा अपना कोई और है आपका इस दुनिया में? यस और नो? पक्का है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, ये जो यार दोस्त होते हैं ना, मजे लेने के लिए होते हैं, ज्यादा सीरियस मत हो जाना यार दोस्तों को लेकर के, अफेयर को लेकर के, कि उसने कहा है कि मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, उसने चार और को भी कहा है, आप अकेले नहीं हो। मतलब कहने का है कि जो डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हैं हमारी हमारे पेरेंट्स के साथ, वो मिसिंग है। तो जब आपके पेरेंट्स के साथ ही आपके डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स मिसिंग है, मतलब आपको ये प्रैक्टिस ही नहीं है कि टिक करके किसी के साथ में क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, तो आगे जाकर के लाइफ में और किससे क्या रिलेशनशिप बनेगी? उनसे ज़्यादा तो अपना आपका कोई है ही नहीं। अगर उनसे हमारी रिलेशनशिप नहीं बन पा रही तो आगे और किससे बनेगी? इट्स एन एक्सट्रीमली सीरियस इशू, क्योंकि हमको सबको पैसे की इंपॉर्टेंस तो पता है, ये पूरी दुनिया पैसा 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 पैसा, पैसे से क्या होता है, चीज़ें मिल जाती है, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मिल जाता है, लेकिन पीसफुली क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? कि अकेले आपके पास में पैसा है, आप लेटे हुए हो बेड पे, ऊपर पंखा चला दिया, उस पे से नोट गिर रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, और खुश हो रहे हो, इज इट अ क्वालिटी टाइम? जो रिलेशनशिप्स है लाइफ में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? किसी के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, किसी के साथ में टाइम स्पेंड करना, एक्चुअल में टाइम स्पेंड करना, नाम के लिए नहीं, साथ में मूवी देख रहे हैं। साथ में क्या होता है, सब अपना अलग अलग मूवी देख रहे हैं, अलग अलग सोच रहे हैं उसी एक मूवी के बारे में, तो साथ में क्या टाइम स्पेंड हो रहा है? साथ में टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? ना टीवी ऑन है, ना मोबाइल है, ना कोई मूवी वूवी देख रहे हैं, ना इधर उधर भटक रहे हैं, साथ में टिक करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं जो हमारे एक्चुअल में दिल में है। मतलब ये जरूरी है या नहीं है लाइफ में? ऐसे ही तो कनेक्शंस बनते हैं, ऐसे ही तो ऐसी रिलेशनशिप्स बनती हैं जो एक्चुअल में कमाल की होती है। और इन रिलेशनशिप्स में जो सेटिस्फैक्शन होती है, इसको मैं प्लेजर नहीं कहूंगा, पैसे से आपको प्लेजर्स मिल सकते हैं, बट प्लेजर्स एक टाइम के बाद में जाकर के बोरिंग हो जाते हैं और वो प्लेजर्स आपको फंसा देते हैं। वो अभी नहीं समझ आएगा, जब पैसा आ जाता है तब समझ आता है। जितने पैसे वाले हैं उनको देखना, उनका पेट अंदर होता है या ज्यादातर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बाहर होता है या बहुत बाहर, बहुत होता है या बहुत बहुत बाहर, चाय पी सकते हैं या वो रख करके? तो कहने का मतलब है कि जो प्लेजर्स होते हैं, जैसे हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं तो हम फंसते चले जाते हैं। बट रिलेशनशिप्स अगर मीनिंगफुल है, एक्चुअल में दोनों तरफ से है, टू वे रिलेशनशिप है, वो हमें कभी फंसाती नहीं है। अगर दोनों दिल से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों एक्चुअल में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक्चुअल में एक दूसरे की केयर करते हैं, तो क्या वो रिलेशनशिप कभी भी बोरिंग हो सकती है? कभी हमें फंसा सकती है? समझ रहे हो, प्लेजर में और रिलेशनशिप से जो हमको खुशी मिलती है उसमें फर्क देख पा रहे हो? एक है प्लेजर से खुशी मिलती है जो कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, और उसको भी अगर आप रिपीट करते हो तो वो बोरिंग हो जाती है, महा बोरिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी फेवरेट खाना है क्या है, कोई बताएगा किसी का? राजमा चावल। अरे वाह, मटर पनीर, छोले भटूरे, छोले भटूरे वाला कौन है? हाथ ऊपर किया जाए, अरे वाह, आपको देख के तो लगता नहीं यार, मुझे लगा कोई भटूरा जैसा होगा, मतलब छोले भटूरे बोला है तो। अगर आपको छोले भटूरे मिले सुबह भी, ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे बढ़िया फेवरेट आपके जहाँ से मिलते हैं, लंच में छोले भटूरे, डिनर में छोले भटूरे, बीच में भूख लगे फिर छोले भटूरे, रात को उठ के छोले भटूरे, दिन रात सुबह शाम छोले भटूरे, कितने दिन तक ये गाड़ी चलेगी इस तरह से? एक दिन चल जाएगी, उससे ज्यादा नहीं है ना? तो समझ रहे हो प्लेजर्स में क्या प्रॉब्लम है। बट इफ यू आर देयर इन अ रिलेशनशिप, डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जहां पे सामने वाले की आंखों में आपको नजर आ रहा है कि आप उसके लिए क्या हो, और आपके भी दिल में एक्चुअल में वो सामने वाला कुछ है, जैसे आपके पेरेंट्स, उनके साथ में अगर हमको मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करना आ जाए तो वो कितना लंबा चल सकता है?
मैं कहता हूँ आपके पास पैसा चाहे कम है, आप चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे एक बड़े घर में रहते हो, चाहे छोटे घर में रहते हो, बड़ी गाड़ी चलाते हो, छोटी गाड़ी चलाते हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हाँ आपके पास इतना पैसा हो कि खाने के लिए पैसा हो, एक घर हो रहने के लिए, छोटा हो बड़ा हो, नॉट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है लाइफ में? मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। कुछ ऐसे लोग हमारे आसपास में जिन पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके और वो हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ में अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम जा करके दिल से अपना सब कुछ शेयर कर सके, और कुछ नहीं तो उनके पास जा करके टिक करके बैठ सके कि हमको इतना भरोसा हो कि कोई है इस पूरी दुनिया में जो हमको टाइम देगा।